तो वर्ल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आप समझ ही गए होंगे मेरा 47 साल का अनुभव। ये जो दवाइयां हैं ये 30 साल पहले की हैं, और वो जो बहुत पुरानी थी दवाइयाँ वो सब गई दवाली के साफ सफाई में। इस तरह का सिस्टम होता था कितना, ये देखिए, ये गोलियों की साइज देखिए, इतने बारीक बारीक गोलियाँ। अब ये इनको 300 साल हो गए हैं तो भी है जो इनके ऊपर से है जो कूटने गया। ये ढक्कन लकड़ी का कोर्क, नाम भी लिखा हुआ है इस पर नहीं है, और तो कागज़ चिपकाते थे उस वक़्त, स्टिकर नहीं थे और वे कांच की शीशी होते थे। इसी तरह से ऐसा ये बॉक्स, हर एक जो होम्योपैथिक में दिलचस्पी रखता है, मैं पूरा फोटो दिखा देता हूँ। इसमें कम से कम 200-250 खाने हैं, तो ऐसा एक बॉक्स घर में रखें, चाहे आप 30 ही दवाई रखें, 15 ही रखें, 20 ही रखें, और कोई छोटी गोलियां हो वो आयुर्वेदिक की भी रख सकते हैं, और कोई नहीं तो ये बॉक्स आप, अब तो आप और बढ़िया आते होंगे। वैसे ये पहले का है, कमज़ोर नहीं, ये पहले चीज़ें अच्छी बनती थी। देखो पूरा इसके ताला का सिस्टम वगैरह पूरा दिया है। मैंने कहा आपको यादों से परिचित तो कराऊँ ना। अब इसके अंदर कौन कौन सी दवाई है, तो ये मैंने ये सिस्टम कर रखा था कि ए के अंदर ये है, डी के अंदर ये है, के अंदर ये है, ये इनको पढ़ करके और इसमें से निकाल लेता था। तो ये हमें इसको मतलब किसी को दिया नहीं हमने, मतलब इसके साथ हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है ना। ये कब हमने बक्सा, कब तो बनवाया, किस तरह बनवाया, और घंटों ही हम बैठे रहे करते रहे। तो अब तो इतना आधुनिकरण हो गया है कि फटाफट बनते हैं, खूब इच्छा हो जितने लो प्लास्टिक के मिल जाएंगे और मिल जाएंगे। वो वक्त और था, और हम इतनी कंजूसी बरतते थे कि ये जो कांच की शीशी है, ये जो कांच की शीशी, ये खाली होने के बाद में इनको बॉइल्ड करते और इनके ढक्कनों को अलग बॉइल्ड करते, ढक्कनों को कम बॉइल्ड करके धूप लगा देते, और शीशियों को बॉइल्ड करके और इनके अंदर कपड़ा डाल करके बाकायदा रगड़ रगड़ के साफ करते थे, फिर इन्हीं के अंदर और दवा ले आते थे, एक चार आना आठ आना बचाने के हिसाब से। उस वक़्त वो भी मायने रखते थे। तो आज मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा, इससे ज़्यादा तो फिर सोचूंगा मैं, आपको दिखाना था, मुझे याद आ गया, मेरे को कोई पुरानी दवाई देखनी थी। ये सब इफेक्टिव दवाइयाँ हैं, कौन सी किस वक्त काम आ जाए। इस तरह के एक दो बॉक्स और पड़े हैं। थैंक्स।